लेट स्टार्ट विथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑलरेडी हम लोग ने बहुत सारा सेवन लेक्चर्स टोटल ऑलमोस्ट सिक्स लेक्चर कंप्लीट कर दिया। ये सेवन्थ लेक्चर है। सिक्स लेक्चर में वाला मैं अब तक क्या क्या किया हम लोग ने, पहला वेपर प्रेशर किया था ना, फिर वेपर प्रेशर का प्रॉब्लम सेकेंड लेक्चर, फिर बॉइलिंग पॉइंट किया, फिर बॉइलिंग पॉइंट का प्रॉब्लम्स, फिर क्या किया कल इसका लास्ट लेक्चर था फ्रीजिंग पॉइंट किया था, बराबर ओके। तो ऐसा किया है, फ्रीजिंग पॉइंट का प्रॉब्लम भी किया है नहीं बाकी फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का प्रॉब्लम एक साथ सिखाऊंगा लास्ट लेक्चर में। चलो देखते हैं। तो ये जो भी ये जो भी लिखा हुआ है ये सब ए टू जेड पूरा बेस्ड है ऑस्मोसिस पे। आज का जो भी लेक्चर हो किस पे बेस्ड है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोस के लिए कुछ टर्म्स आना चाहिए तुमको। सबसे मेन चीज उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर ये इसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम है तो थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। वैसे ऑस्मोस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आगे वाला। इसके लिए तुमको आना चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो सिंपल है, सेमी परमिएबल मतलब क्या है, जिसको परमिशन रहेगा उसी को अलाउ करेगा, सबको अलाउ नहीं करने वाला है। सेमी समझा, सेमी परमिएबल मतलब परमिशन रहेगा तो ही अलाउ करेगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन समझ में आ गया रहेगा थोड़ा, समझ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन माना बायोलॉजी जो पढ़ा रहेगा ना बायोलॉजी, तुमने मेम्ब्रेन का मतलब मालूम रहेगा ओके। तो मेम्ब्रेन कैसा है, सेमी परमिएबल मतलब सबको अलाउ नहीं करने वाला है, पता है, जिसको परमिशन रहेगा उसी को अलाउ करेगा। एक्चुअल में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ करता है सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को। किसको कल सिखाया तुमको, ऑलरेडी पहले बताया भी ना सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या क्या रहता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ कौन पास हो सकता है, सॉल्वेंट, समझा, प्योर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, और कोई पास नहीं होता है, समझा। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो द ऑस्मोटिक प्रेशर फिनोमिनन जो आगे तुमको पढ़ाऊंगा, देखो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये फिनोमिनन में देखो यहाँ पे यूज हुआ है, देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जस्ट ऐसा डायग्राम बता रहा हूँ जस्ट कि ऑस्मोटिक प्रेशर में किसका यूज होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज होता है। तो वही पहला पॉइंट है, द ऑस्मोटिक प्रेशर फिनोमिनन मेक यूज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, फर्स्ट पॉइंट। बहुत ईजी है, बराबर, डिफाइन नहीं बताया अभी तक मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, खाली बताया फर्स्ट पॉइंट में कि कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज होता है बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर में ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहाँ पे यूज होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फिनोमिनन है इसमें यूज होता है, देखो यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। तो पॉइंट बहुत ईजी है, पढ़ो जरा पॉइंट क्या है, द ऑस्मोटिक प्रेशर फिनोमिनन मेक यूज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसका यूज वहां पे होता है। चलो आगे आते हैं, देखते हैं ये क्या है। सेलोफेन, सेलोफेन एक मैम एक समझो, सेलोफेन अभी कैसे बताओ तुमको, सेलोफेन मालूम है क्या होता है, किसके जैसा दिखता है वो बता दो, एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्या रहेगा। जैसे कवर चढ़ाया रहेगा तुमने पेपर पे, मतलब जो भी तुम्हारा बुक रहता है उस पर कवर चढ़ाया रहेगा, कवर चढ़ाने के बाद उसके ऊपर एक प्लास्टिक भी कोई कोई लगाता है, मालूम है प्लास्टिक, मालूम है पानी से बचाने के लिए, वैसा होता है, ऑलमोस्ट वैसा होता है सेलोफेन, समझा, उसके जैसा दिखता है सेलोफेन, दिखता वैसा है, समझा सेलोफेन क्या है, इमेजिन तो कर सकते ना सेलोफेन मतलब क्या है। हाँ, तो सेलोफेन जैसा ही एक फिल्म रहता है, फिल्म मतलब पतला फिल्म रहेगा, मेम्ब्रेन मतलब ही पतला ही फिल्म रहेगा ना, बराबर ना, वही पढ़ा रहा तुमको। सेकेंड पॉइंट में तुमको बता रहा हूँ मैं कि डिफाइन मतलब क्या है, तुम्हारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है, ये किसके जैसा होता है, ऑलमोस्ट बताओ, सेलोफेन जैसा, किसके जैसा दिखता है, सेलोफेन। इट इज अ फिल्म सच एज सेलोफेन विच हैज पोर्स, पोर्स समझ आता है, पोर्स रहेगा उसमें, विच हैज पोर्स, ऐसा पोर है कि वो उसका साइज इतना बड़ा है कि वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करा सकता है अपने अंदर से। मैंने पहले बताया ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कौन पास होता है, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, बराबर। तो पॉइंट फिर से सुनो, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं ये क्या है, इट इज अ फिल्म, फिल्म लाइक सेलोफेन, सेलोफेन जैसा एक फिल्म है विच हैज पोर्स, पोर्स होता है उसके अंदर, मटका देखा है ना उसमें कैसा पोर्स होता है, सेम वैसे विच हैज पोर्स, और वो पोर्स का साइज इतना बड़ा है कि उसमें से कौन पास हो सकता है, सॉल्वेंट, बराबर। विच हैज पोर्स लार्ज इनफ, लार्ज मतलब इतना बड़ा तो है, लार्ज इनफ टू अलाउ द कौन सा मॉलिक्यूल को पास कर रहा है, देखो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट, सॉल्यूट, बता रहा हूँ उसका रीजन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट उसका रीजन बन गया कि सॉल्यूट क्यों नहीं करता है। पहले बताओ तुमको सेकंड पॉइंट समझा क्या है, फर्स्ट पॉइंट याद है, द ऑस्मोटिक प्रेशर फिनोमिनन मेक यूज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, ये इट इज अ फिल्म लाइक सेलोफेन, राइट राइट, सेलोफेन जैसा है, विच हैज पोर्स, पोर्स होता है ना उसके अंदर, और उसके बाद क्या बताया, पोर्स का साइज क्या बताया, विच हैज पोर्स लार्ज इनफ, इतना बड़ा तो है, लार्ज इनफ टू अलाउ, किसको अलाउ कर रहा है, टू अलाउ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट, समझा, उसको पास करने दे रहा है, पास थ्रू देम या फिर इट, एक ही बात है, किसको पास नहीं कराता है, सॉल्यूट, सिर्फ सॉल्यूट नहीं, सॉल्यूट का क्यों नहीं कराता, रीजन है सॉल्यूट का साइज बड़ा होता है, बराबर, सॉल्यूट का साइज इतना बड़ा है कि ये पोर का साइज से भी बड़ा है, समझा है क्या, समझ में आ रहा है। अब बोलेंगे सर बड़ा है तो क्या हुआ, ये पोर्स भी तो लार्ज है,
मेरा बोलने का मतलब है सॉल्यूट का मॉलिक्यूल इतना बड़ा है कि उसके सामने ये पोर का साइज स्मॉल हो जाता है, स्मॉल होता नहीं है, स्मॉल दिखता है, समझा? इमेजिन कर रहे ना क्या बोल रहा मैं? तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल पास क्यों नहीं कर पाता है? रीजन एक ही है कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के सामने वो पोर का साइज छोटा दिखता है, सिंपल ना, छोटा रहता है पोर का साइज। तो एक और चीज़ है, सिर्फ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को पास नहीं कराता है, मतलब सिर्फ उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, आयंस को भी रेस्ट्रिक्ट करता है। आयंस मालूम रहेगा तुमको, Na+, ऐसा बहुत सारा आयंस होता है, आयंस का साइज ही बड़ा रहता है, बराबर ना? तो उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर देगा, उसको भी जाने नहीं देने वाला। थर्ड पॉइंट वही है, दिस पोर्स। अब बताओ ये पोर्स सॉल्यूट के सामने, सॉल्यूट के बड़े मॉलिक्यूल के सामने छोटा दिखेगा बड़ा दिखेगा? छोटा ही है ना, समझा? वो सॉल्वेंट जो छोटा मॉलिक्यूल है उसके लिए बड़ा पोर है, राइट ना? हाँ, दिस पोर्स आर स्मॉल इनफ। ये क्या है? स्मॉल है, और इतना छोटा है कि इसमें से कौन पास नहीं हो सकता है? सॉल्यूट और आयन भी पास नहीं हो सकते। दिस पोर्स आर स्मॉल इनफ टू नॉट टू अलाउ द पैसेज ऑफ लार्ज सॉल्यूट मॉलिक्यूल। जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल लार्ज होता है, लार्ज ही होता है, पहली बात ये समझ लो, बराबर? लार्ज सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता है, और कौन नहीं पास हो सकता है? और आयंस। आयंस ऐसा है मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं वो ज्यादा रहेगा, राइट? ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास, हाई मॉलिक्यूलर मास मतलब आयन बड़ा रहेगा ना, समझ में आ रहा है ना? अरे जितना बड़ा आयन उतना ज्यादा मास होता है उसका, मालूम है ना? सिंपल। तो थर्ड पॉइंट में तुमको क्लियर समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट याद है, बताओ जरा क्या था? द ऑस्मोटिक प्रेशर फिनोमिनन मेक यूज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिंपल पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, इट इज अ फिल्म लाइक सेलोफेन, सेलोफेन जैसा फिल्म है, राइट? विच हैज पोर्स लार्ज इनफ टू अलाउ द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू देम, या फिर थ्रू इट, एक ही बात है। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा? अब छोटा ना पोर, सॉल्यूट का लार्ज मॉलिक्यूल के सामने तुम्हारा पोर छोटा हो गया, अभी ऐसा है। दिस पोर्स आर स्मॉल इनफ टू नॉट टू अलाउ द पैसेज ऑफ लार्ज सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट, की बात है, राइट? उसको अलाउ नहीं करेगा, समझा ना? हाई मॉलिक्यूलर मास, हाई मॉलिक्यूलर वेट थ्रू देम, उसको अलाउ नहीं कर सकता है। बहुत ईजी पॉइंट है, हार्ड नहीं, समझा ना? आगे बढ़ते हैं। लार्ज ही रहता है सॉल्यूट, सॉल्वेंट वाले केस में सॉल्यूट का मॉलिक्यूल बड़ा रहता है, सॉल्वेंट करेगा वो छोटा रहेगा, बराबर? समझा पॉइंट क्या है? सॉल्यूशन का मॉलिक्यूल थोड़ी होता है, सॉल्यूशन तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनेगा ना, उसमें तो दोनों मॉलिक्यूल है ना। अगर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया तो वो किसको पास करेगा? सिर्फ सॉल्वेंट, बाकी सॉल्यूट वहीं पर रह जाएगा, समझा? सिंपल, क्योंकि सॉल्यूट तो पास ही नहीं हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जरा ध्यान दो। आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी होता है और नेचुरल भी होता है, बराबर? दोनों। ये पॉइंट तुम्हारे ये साल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन MHT CET में या फिर JEE में आने का चांस रहता है, आ भी चुका है बहुत बार ऐसा, इसके लिए पॉइंट को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, बराबर? कॉपर फेरोसाइनाइड, ध्यान दो इधर, क्या? कॉपर फेरोसाइनाइड, CuFeCn6, Cu2FeCn6, राइट? इसको बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड, क्या नाम है उसका? ये एक आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, आर्टिफिशियल में आता है मतलब मैन मेड, बराबर? आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्या नाम है? कॉपर फेरोसाइनाइड। कहाँ पे होता है? पोर्सिलियन पॉट में होता है, बराबर? पोर्सिलियन पॉट, देखो ये लिखा रहेगा, द थिन फिल्म ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCn6 डिपॉजिटेड इन द पोर्स ऑफ पोरस पोर्सिलियन पॉट। पोर्सिलियन पॉट मालूम ना, पॉट? अरे पॉट नहीं मालूम तुमको? हाँ वही, तो उसमें उसके अंदर हम लोग क्या डिपॉजिट करते हैं वहाँ पे? CuFeCn6, बराबर? जिसकी वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर जा सकता है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जा सकेगा क्या? नहीं जा सकता है, सिंपल, राइट? तो ये कौन सा पॉट है याद रखना? पोर्सिलियन पॉट, बराबर? पोरस पोर्सिलियन पॉट, उस पर हम लोग क्या डिपॉजिट करते हैं, मतलब वो बनाने के टाइम पे ही क्या रहेगा? CuFeCn6, Cu2FeCn6, बराबर? कॉपर फेरोसाइनाइड वहां पे होता है। कॉपर फेरोसाइनाइड क्या है? एक टाइप का आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल, मतलब मैन मेड है, बराबर? समझा? इज द बेस्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट? कुछ नेचुरल भी है, जैसे कि एनिमल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर मालूम रहेगा ना? हाँ, एनिमल ब्लैडर, ये एक क्या है? नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पोटैटो, पोटैटो का एक स्लाइस किया तो वो भी एक टाइप का क्या रहेगा? नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बराबर ना? बहुत सारा है वैसे, पार्चमेंट पेपर भी है, बहुत सारा रहेगा। यहाँ भी कुछ चीज लिखा है, सेलुलोस मालूम है? सेलुलोस क्या? प्लांट प्रोटीन ना? क्या, कहाँ मिलता है सेलुलोस? प्लांट में रहता है ना, प्लांट में रहता है ना? हाँ, तो सेलुलोज भी एक टाइप का क्या है? नेचुरल, बहुत सारा नाम है, सेलुलोज है, सेलुलोज नाइट्रेट है, बराबर? देखो इधर लिखा रहेगा, सेलुलोज नाइट्रेट, बराबर? एनिमल ब्लैडर बताया तुमको पहले मैंने, तो तीन चीज़ याद रखो, क्या क्या? सेलुलोज और सेलुलोज नाइट्रेट और एनिमल ब्लैडर, बराबर? ये सब क्या है? ये सब नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और आर्टिफिशियल का नाम याद रहेगा, ध्यान देंगे सब लोग यहाँ पे, CuFeCn6, राइट है ना? कॉपर फेरोसाइनाइड, हो गया ना पॉइंट याद?
चार, ये तो पहले बता दिया था, फोर्थ पॉइंट बताया क्या तुमको मैंने? नहीं ना, हाँ फोर्थ पॉइंट सुनो, द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली अलाउ, सेलेक्टिवली मतलब जिसको परमिशन है उसको अलाउ करेगा, सबको नहीं करेगा। द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली अलाउ द पैसेज ऑफ कौन सा मॉलिक्यूल? सिर्फ सॉलिड मॉलिक्यूल। ईजी है ना? हाँ, तो समझ गया रहेगा तुमको कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, समझा ना? कहाँ यूज होता है बताओ, कहाँ यूज होता है? ये ओस्मोटिक प्रेशर वाले केस में यूज होता है। फिर सेकेंड पॉइंट, ये किसके जैसा दिखता है? सेलोफेन, सेलोफेन जैसा दिखता है, पोर्स होता है, इतना बड़ा है कि सोलिड मॉलिक्यूल जा सकता है कि नहीं जा सकता है? सोलिड मॉलिक्यूल के पोर छोटा है ना, नहीं जा सकता है, लेकिन सॉल्वेंट जा सकता है, आयंस भी नहीं जा सकता है जिसका हाई मॉलिक्यूलर मास रहेगा, समझा? इजी है। तो बताओ नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कुछ एग्जांपल, सेलुलोज नाइट्रेट एनिमल ब्लैडर, और आर्टिफिशियल कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2Fe(CN)6। ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, तुमको एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास कलर होता है, कलर्ड कंपाउंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बराबर दिख रहा है? ये है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बराबर ऐसा। चलो देखते हैं, समझ गया ना सबको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? याद रहेगा ना, जाते जाते पूछूंगा, याद है ना तुमको सबको? आगे देखते हैं, ओस्मोसिस क्या है? तुमको पहले से मालूम है कौन मूव होता है बताओ? कौन मूव होता है? सॉल्वेंट। सॉलिड मूव होता है क्या? नहीं ना। एक एग्जांपल से समझेंगे ओस्मोसिस। देखो समझो, दो सॉल्यूशन है हमारे पास, दो सॉल्यूशन है बराबर, एक ही टैंक में दो सॉल्यूशन है और बीच में रख दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, समझा? एक कॉन्सेंट्रेशन, एक का कॉन्सेंट्रेशन लो है और दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन हाई, मतलब एक डायलूट सॉल्यूशन और दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो क्या होता है मालूम है? क्योंकि बीच में कौन सा मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो डायलूट सॉल्यूशन है ना, इसमें से सॉल्वेंट कहाँ पे जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में। पॉइंट समझो क्या बता रहा है, यही मेरा यहाँ का पॉइंट है। ये जो लिखा हुआ है ना इतना बड़ा, वो जो मैं बोल रहा हूँ वही है। एक टैंक है, उसके अंदर दो अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है और एक कॉन्सेंट्रेटेड है, बीच में किससे पार्टीशन कर दिया है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो कौन कहाँ से कहाँ मूव होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन का, डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट कहाँ पे जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, समझा ये पॉइंट? एक और पॉइंट समझो, अगर समझो मैंने प्योर सॉल्वेंट एक जगह पे, वही टैंक है, अब एक जगह पे प्योर सॉल्वेंट है और एक जगह पे सॉल्यूशन है, एक जगह पे प्योर सॉल्वेंट और दूसरे पे क्या है? सॉल्यूशन है। कौन मूव होएगा? सॉल्वेंट जाएगा कहाँ, किसके पास? सॉल्यूशन के पास। ये दो चीज़ समझाए क्या? ये दो चीज़ समझा था तुमको, पूरा ओस्मोसिस समझ में आ गया, समझा क्या बताया मैंने? सिर्फ दो चीज़ समझो, कौन कहाँ से कहाँ मूव होता है। पहला वाला केस जिसमें एक जगह पे डाइल्यूट सॉल्यूशन था और एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड था, तो कौन मूव होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से कॉन्सेंट्रेट में, और मूव एक्चुअल में कौन हुआ? सॉल्वेंट। हाँ, मूव तो सॉल्वेंट ही होता है ना, समझा? नहीं आता, उसका रीजन बताता हूँ। देखो उसका रीजन है वेपर प्रेशर, बताता हूँ थोड़ी देर में आएगा, इसमें आएगा। एक दूसरा केस क्या बताया, एक जगह पे प्योर सॉल्वेंट है और दूसरी जगह पे सॉल्यूशन है, बराबर है? तो कौन मूव होएगा? प्योर सॉल्वेंट मूव होता है, समझा? इसका रीजन समझ लो, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में से वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा? प्योर, यही मूव होएगा, समझा? इसके पहले वाले केस में क्या बताया था मैंने? डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये बताया था ना, बताया था ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड। तो सेम लॉजिक यहाँ भी है, समझा? डाइल्यूट सॉल्यूशन का तुम्हारा वेपर प्रेशर कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? तभी तो मूव हुआ ना यहाँ पे, समझा ना? सिंपल लॉजिक है। चलो तो अब पढ़ते हैं, एक्चुअल में देखा जाए ना, तो एक्चुअल में देखा जाए दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होने के लिए ओस्मोसिस होता है ना, बराबर? एक डाइल्यूट था और एक था कॉन्सेंट्रेटेड, कौन मूव हुआ? सॉल्वेंट डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों को कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम सेम करने का था ना, एक का कॉन्सेंट्रेशन कम है और एक का ज़्यादा है, ऐसे थोड़ी चलता है, मेम्ब्रेन ना बीच में, तो क्या करेगा? दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम सेम कर देगा, समझा? इसके लिए काम होता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो सॉल्वेंट दोनों जगह से मूव होता है, पहले पॉइंट समझो, सॉल्वेंट दोनों जगह से मूव होता है, लेकिन ज़्यादा मूव कहाँ होता है वो तुमको पहले बता दिया कि ज़्यादा मूव होने का रेट कहाँ है तुमको मालूम है ना? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड और प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, ये ज़्यादा होता है, इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए हम लोग इसको ही देखेंगे बस, समझा पॉइंट क्या है? चलो पढ़ते हैं, देखो व्हेन सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट, सेकंड केस, सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, समझा? और अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल, समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे मैं केस बता रहा हूँ तुमको, दो केस, व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और दूसरा केस क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय अ सेमी, ये टाइम पे क्या होने वाला है? ओस्मोसिस, ये टाइम पे हो गया ना ओस्मोसिस। हाँ, तो वही लिखा, देखो
When solution and pure solvent or a two solution of different concentration का मतलब क्या है? एक dilute और एक concentrated, एक ही मतलब तो हुआ ना, are separated by a semi permeable membrane. क्या होता है बताओ? Osmosis होने वाला है. Osmosis का मतलब क्या है? Solvent move होता है, बराबर ना? Solvent molecule passes through the membrane. पास होएगा ना? अब वो कौन किधर जाएगा वो नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे ना हम लोग. कौन मूव होता है जो हमको पहले, इजी है ना? हार्ड लग रहा है क्या? इजी तो है, सिंपल पॉइंट है. सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट को पार्टीशन में रख दिया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साथ. दूसरा ऑप्शन क्या है? दो सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, मतलब एक डायल्यूट और एक उसको भी हमने अलग रखा, तो कौन मूव होता है? सॉल्वेंट मूव होगा ना. और कहां से काम होगा हमको पहले से मालूम है, आगे पढ़ते मालूम पड़ जाएगा. चलो पहली बात तो मैंने क्या बताया, दोनों जगह से सॉल्वेंट मूव होता है सॉल्वेंट, लेकिन रेट किसका ज्यादा है वो तुमको बता दिया मैंने. किसका रेट ज्यादा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, इसका रेट ज्यादा रहता है. बराबर. पॉइंट टू पढ़ो. द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में सॉल्वेंट जाएगा, लेकिन ज्यादा कहां पर जाएगा तुमको मालूम है. बराबर. द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन. क्यों होता है मालूम है? क्यों होता है? जरा केस सुनो. पहला केस बोलो, जो स्टेटमेंट के साथ पहला केस क्या है? सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट. बराबर. क्या प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट है? क्या सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट है? है ना. सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलके बनता है, दोनों जगह पे सॉल्वेंट है ना, तो दोनों मूव हो सकता है. यही रीजन है, समझा? दोनों जगह से क्यों मूव होता है, समझा क्या पॉइंट? सेकंड पॉइंट फिर से एक पढ़ेंगे. द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ना टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन. रीजन क्या है? रीजन ये है, एज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ ना, दोनों साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के दोनों साइड में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. सॉल्यूशन के अंदर भी सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट तो खुद सॉल्वेंट ही है. बराबर ना. समझा ना पॉइंट? समझा ना. मैंने क्या बताया था? ज्यादा कहाँ होता है तुमको पहले बता दिया है, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा. समझा? अरे थियरी है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा. समझा ना अभी तक पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तुमको याद है क्या था? बोलो जरा बिना देखे बोलने का, इधर देखे बताओ. बोलो क्या था? व्हेन सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट आर, एक मिनट ये इसके साथ वो भी बताओ दोनों एक साथ. व्हेन सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट और टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. कौन मूव होता है? सॉल्वेंट विल मूव थ्रू किससे जाएगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ये सिंपल सा अपने मन से बनाओ ना. सेकेंड पॉइंट, द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन. रीजन क्या है? एज द सॉल्वेंट इज प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या फिर मेम्ब्रेन बोला तो भी चलेगा. राइट है. ज्यादा क्या होता है हमको पहले से मालूम, वही पॉइंट है. नेक्स्ट पढ़ो जरा क्या है. द रेट ऑफ पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, रेट मतलब टाइम के हिसाब से ना. हाँ, द रेट ऑफ पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन टू द सोल्यूशन. पहला केस, द रेट ऑफ पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन टू द सोल्यूशन. और दूसरा क्या था बताओ? फ्रॉम डायल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. ये ज्यादा होता है ना इसका रेट, एज कंपेयर टू रिवर्स. इसका उल्टा, इसका उल्टा ज्यादा होगा क्या? ये ज्यादा होगा जो बताया मैंने तुमको, ये ज्यादा होगा ना जो बताया ना अभी. मैंने क्या बताया? द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन टू द सोल्यूशन पहला केस, और फ्रॉम डायल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. बोला इसका रेट क्या जाता है? इज हाई एज कंपेयर टू इट्स रिवर्स. इसके रिवर्स कंपेरिजन में ज्यादा रहता है ना. अरे रिवर्स नहीं समझना है, इसका उल्टा नहीं होता है इतना ज्यादा जितना ये होता है. बराबर. सिंपल पॉइंट पढ़ो, वही पॉइंट लिखा है. द रेट ऑफ पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन टू द सोल्यूशन मतलब पहला केस, दूसरा और फ्रॉम मोर डायल्यूट सोल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड. एक ही बात है, मैंने मोर वाला वर्ड यहां पर यूज किया और क्या, समझा? और फ्रॉम मोर डायल्यूट सोल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन दैट ऑफ रिवर्स प्रोसेस. राइट है. इसका रिवर्स डायरेक्शन के कंपेरिजन में ये जो डायरेक्शन वो ज्यादा होता है, मतलब ये डायरेक्शन में ओस्मोसिस ज्यादा होता है, सॉल्वेंट ज्यादा मूव होता है. समझा? समझा है ना. उसका रीजन क्या था? वेपर प्रेशर. समझा रीजन क्या है इसका, ऐसा ही क्यों गया ये, उसका रीजन वेपर प्रेशर. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो. दिस इज फेवरेबल मतलब ऐसा होता क्यों है. बराबर. और ऐसा ही क्यों होता है हमेशा? सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन. बराबर. दो चीज था ना, सेकंड केस सॉल्वेंट सॉल्यूशन, या फिर जो भी रहेगा तुम्हारा पहला केस, जो भी जैसे बोलो. सॉल्वेंट और सॉल्यूशन वाले केस में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा? प्योर सॉल्वेंट ज्यादा, इसका कम. तो ये इधर से इधर ही मूव होएगा ना, सिंपल लॉजिक. समझा? ये फेवरेबल क्यों है? रीजन है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर या फिर हाइयर एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्यूशन. लास्ट नहीं, एक और पॉइंट है यहाँ पे. अब ये जो फिफ्थ पॉइंट है ना, ये तुम्हारा डिफाइन है. अगर तुमको वाइवा में पूछा व्हाट इज ओस्मोसिस, तो ये नहीं बताने का तुमको इतना, ये एग्जाम में पूछा तो ऐसा लिखना पड़ेगा. वाइवा के लिए, ओरल के लिए सबसे मेन डिफाइन यहाँ पे ओस्मोसिस है क्या. स्पॉन्टेनियस फ्लो होएगा ना,
फटक से जाएगा ना, स्पॉन्टेनियस. द स्पॉन्टेनियस फ्लो किसका? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. कहां से कहा तुमको मालूम है, राइट है. द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, राइट है. थ्रू सेमी परमीबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ओस्मोसिस. इसको तो बोलते हैं ओस्मोसिस. फिर से एक बार ध्यान दो, बोलो क्या बताया मैंने. द स्पॉन्टेनियस फ्लो, फटाक से हो गया बराबर. द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन और फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज, वही एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है देखो यहाँ पर बराबर. एक ही, चलो और डिफाइन और अच्छा बना दिया फिर तुमने, समझा कैसे किया. चलो लास्ट पॉइंट. अब एक्चुअल में क्या होता है, मतलब देखो अब ओस्मोसिस होने, क्या ओस्मोसिस होते रहेगा अपने आप ऐसा कंटिन्यू होते रहेगा? नहीं, एक टाइम पे रुक जाएगा ना. कब? जब दोनों साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेम सेम, ये जो डाइल्यूट था और ये जो कॉन्सेंट्रेट था, ये दोनों इक्वल पे आ गए, सेम सेम कॉन्सेंट, रुक जाएगा. समझा? तो वही, एज अ रिजल्ट ऑफ ओस्मोसिस, ओस्मोसिस की वजह से या फिर ओस्मोसिस होने के बाद, द अमाउंट ऑफ लिक्विड ऑन प्योर सॉल्वेंट साइड एंड मोर डाइल्यूट साइड डी. देखो क्या है, दो केस ना, थोड़ा जरा ध्यान दो इधर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दो केस तुमको याद है, दो केस याद है, प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन, मोर डायरेक्ट सॉल्यूशन, मोर कॉन्सेंट. ध्यान दो, कौन मूव हुआ, किधर से मूव हुआ? पहले केस में प्योर सॉल्वेंट से गया तो ये कम हो जाएगा ना, समझा क्या? समझा? दूसरे वाले केस में मोर डायरेक्ट सॉल्यूशन से गया ना, तो मोर डायरेक्ट सॉल्यूशन का लिक्विड भी, यही पॉइंट है वहां पे. अच्छा फिर बढ़, इधर गया तो इधर बढ़ जाएगा ना. पहले केस में क्या बढ़ जाएगा बताओ? सॉल्यूशन का लिक्विड बढ़ जाएगा. और दूसरे वाले केस में मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का लिक्विड बढ़ जा रहा है, तभी तो मोर कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट हो गया ना. सिंपल ना. अरे कॉन्सेंट्रेट चीज को डाइल्यूट कैसे करेंगे, उसमें और लिक्विड डालो. मिल्क जब एक्चुअल निकलेगा तो कैसा रहता है? तो कॉन्सेंट्रेट पानी डालो, डालते रहो, हो गया डाइल्यूट. समझा ना? समझा पॉइंट क्या है? नेक्स्ट लास्ट वाला पॉइंट जरा ध्यान दो. एज अ रिजल्ट ऑफ ओस्मोसिस, ओस्मोसिस की वजह से या फिर ओस्मोसिस होने के बाद, द अमाउंट ऑफ लिक्विड ऑन प्योर सॉल्वेंट साइड और दूसरा क्या बताओ, मोर डाइल्यूट साइड ना इंक्रीसेस, सॉरी डिक्रीसेस, और दूसरा यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे इंक्रीसेस. हाँ इधर देखो, कॉन्सिक्वेंटली द अमाउंट ऑफ लिक्विड ऑन अदर साइड, अदर साइड मतलब कौन सा साइड है, सोल्यूशन साइड या फिर मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन साइड, इंक्रीसेस ना, इंक्रीसेस. हाँ क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया क्या? दोनों डिक्रीज लिख दिया ना, ठीक है चेंज कर लेते हैं. एक जगह पर डिक्रीजेस और दूसरी साइड बोलो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस ना. दिस रिजल्ट्स इन, अरे वो तो राइट था शायद, मैंने लिखा नहीं क्या? हाँ लिखा तो है, बराबर था ना. नहीं ऐसा कैसा रॉन्ग होगा? देखो इधर ना वो इंक्रीजेस, इधर ना कॉन्सिक्वेंटली द अमाउंट ऑफ लिक्विड ऑन अदर साइड इंक्रीजेस, राइट है, बराबर लिखा है. अच्छा दोनों साइड का एक जगह पे लिक्विड कम हो गया, एक जगह पे लिक्विड बढ़ गया, बराबर. तो इसके से हुआ क्या, दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मतलब इक्वल हो जाएगा, सिंपल ऐसा है, बराबर ना. हाँ तो समझा पॉइंट अभी तक क्या क्या बताया, क्या पढ़ रहे थे हम लोग वैसे, ओस्मोसिस. एक बार रिकैप मारते देखते हैं हमको याद है कि नहीं. ओस्मोसिस में क्या होता है, कौन मूव होता है, सॉल्वेंट. पहले केस में कौन कहां से कहां मूव होता है, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से मूव होएगा सॉल्यूशन के साइड, और दूसरा ऑप्शन डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड साइड. ये देखा, फिर देखा कि वो जो पैसेज है एक्चुअल में सॉल्वेंट का दोनों साइड होता है, क्योंकि दोनों साइड सॉल्वेंट प्रेजेंट है, बराबर. थर्ड पॉइंट में देखा, लेकिन ज्यादा किधर होता है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, मोर डाइल्यूट से मोर कॉन्सेंट्रेटेड, बराबर. ये देखा, फिर ये देखा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा कंडीशन क्यों आ रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा है और सॉल्यूशन का कम है. फिर देखा स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेंब्रेन इज कॉल्ड एज ओस्मोसिस. और बताया लास्ट में होता क्या, ओस्मोसिस होने के बाद एक जगह पे लिक्विड कंटेंट कम हो जाएगा और जगह पे बढ़ जाएगा, इसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है. सिंपल. चलो समझा क्या है. चलो एग्जाम में आने वाला टॉपिक ये है, ओस्मोटिक प्रेशर आने का चांस बहुत ज्यादा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये आने का चांस रहता है. चार क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आएगा, लोअरिंग इन वेपरेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं तो ओस्मोटिक प्रेशर. ये चार में से एक कन्फर्म क्वेश्चन आता है हर साल का, लॉजिक ऐसे ही है, या तो इन पे एक न्यूमेरिकल आएगा तुमको, समझा, आता ही है. चलो पढ़ते हैं क्या है ओस्मोटिक प्रेशर, ये समझने के लिए यहाँ से चलो तो इधर खत्म होता है, तो जरा ध्यान से देख रहा हूँ, पूरा गेम यहीं पे दिख रहा है, अगर ये तुमको समझ में आ गया तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है. पहले सुनो, यहाँ पे हमारे पास थिस्टल ट्यूब है, कौन सा ट्यूब है, थिस्टल ट्यूब दिख रहा है, थिस्टल ट्यूब को उल्टा करके रखा हुआ है, एक्चुअल में ऐसा रहता है,
इन्वर्टेड, समझा? देखो सेमी परमियल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है थिस्टल ट्यूब में, और उसको उल्टा किया तो और अच्छे से काम करेगा। पढ़ो, सेमी परमियल मेम्ब्रेन इज फर्मली फास्टेंड अक्रॉस द माउथ ऑफ थिस्टल ट्यूब। अरे ये माउथ तब रहेगा ना जब ये उल्टा रहेगा, सिंपल बात है ना, मतलब इन्वर्टेड रखा है उसको, समझा? ये दिख रहा है, ये है तुम्हारा थिस्टल ट्यूब, ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक थिस्टल ट्यूब है, नीचे क्या लगा दिया है उसके ऊपर थिस्टल ट्यूब को रख दिया ऐसा। अरे ये दोनों चीज़ कनेक्टेड नहीं है, समझा? नीचे सेमी परमियल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर थिस्टल ट्यूब को रख दिया है, थिस्टल ट्यूब ऊपर नीचे दोनों जगह से ओपन था, लेकिन जैसे ही मेम्ब्रेन के ऊपर रखा तो एक जगह बंद हो गया ना, और अभी ऊपर भी जो भी रहेगा समझो ऐसा, ऊपर भी क्लोज ही वैसे, समझा क्या है थिस्टल ट्यूब? हाँ, तो सेमी परमियल मेम्ब्रेन इज फर्मली फास्टेंड अक्रॉस द माउथ ऑफ कौन सा ट्यूब? थिस्टल ट्यूब। क्या होता है, क्या जरा ध्यान दो, जो सोल्यूशन पे हमारा इंटरेस्ट है, जैसे कि सुगर सोल्यूशन है, ये दिख रहा है सुगर सोल्यूशन, इसको मुझे इसको स्टडी करना है, तो इसको मैंने थिस्टल ट्यूब के अंदर रखा है, दिख रहा है ग्रीन कलर का लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा सोल्यूशन है? सुगर सोल्यूशन ना, बराबर ना, सोल्यूशन नाम में ये क्या है? सोल्यूशन है। ओके, नीचे क्या है? हाँ, और आजू बाजू क्या रखा है मैंने? वाटर। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सोल्यूशन समझ में आया कौन है? बोलो सोल्यूशन क्या है तुम्हारे लिए? शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन है, और वाटर सॉल्वेंट है। ओस्मोसिस पढ़ा ना तुमने, वही लगा उधर अप्लाई करो यहाँ पे। ओस्मोसिस में कौन मूव होता है? सॉल्वेंट। कौन सॉल्वेंट है? वाटर। वाटर मूव होएगा, बराबर ना, वाटर मूव होएगा, बाहर आएगा वाटर के अंदर जाएगा, अंदर जाएगा ना, सिंपल सा लॉजिक है, बराबर ना। हाँ, तो यही होने वाला है यहाँ पे, क्या होएगा चलो एक बार शॉर्ट में बता दो, फिर पढ़ते हैं। थिस्टल ट्यूब है, नीचे सेमी परमियल मेम्ब्रेन रखा है, अंदर शुगर सोल्यूशन है, बाहर वाटर है, बराबर। अंदर ये दिख रहा है सोल्यूशन ग्रीन कलर का लाइन, हाँ, क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग रहेगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम रहेगा, वेपर प्रेशर का डिफरेंस है, इसके लिए वाटर मतलब सॉल्वेंट अंदर आएगा ना, समझा रहा है? सेमी परमियल मेम्ब्रेन से अंदर आएगा ऐसा, और ऐसा बढ़ेगा ना, फिर अंदर का लेवल बढ़ते जाएगा, इधर पहुंच जाएगा यहाँ तक, समझा क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है क्या क्या हुआ? अरे ऑस्मोसिस हुआ, बराबर ना, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल तो मूव होता है, तो वाटर मूव हुआ, वाटर एक ग्लास कांच के अंदर जाएगा क्या वाटर? नीचे है ना मेम्ब्रेन सेमी परमियल, वहाँ से जाएगा ना, बराबर, तो यहाँ से गया और जो भी लेवल था तो लेवल बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली उसमें और एक लिक्विड आ जा रहा है तो लेवल बढ़ जाएगा। अब बताओ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा कि कम हुआ? कम हो गया ना, समझा ना कैसा है? ठीक है चलो, तो वो इतना इंपॉर्टेंट है, पहले बताओ समझा क्या हुआ? हाँ, अब सुनो, जितना सॉल्वेंट अंदर आ रहा है, जितना वाटर अंदर आ रहा है, उसके वजह से लेवल ऊपर ऊपर जा रहा है, तो अंदर प्रेशर बढ़ रहा है कि अंदर प्रेशर कम हो रहा है? बढ़ेगा ना प्रेशर, तो अंदर जो प्रेशर आता है क्योंकि वो पानी की वजह से है, वाटर की वजह से है, इसलिए उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अंदर जो प्रेशर आया, जो भी प्रेशर वाटर की वजह से आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोस्टैटिक है, बराबर। ये प्रेशर जो अंदर आ रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है जो पानी अंदर आया उसकी वजह से, उसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक। रीजन ये है क्योंकि लेवल बढ़ गया ना पानी का, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो आएगा ही। अब सुनो क्या होने वाला, देखो एक्चुअल में अगर अंदर प्रेशर बढ़ता है तो क्या वापस और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और अंदर आ सकता है क्या? समझ में क्या बता रहा है? जरा फिर रिटर्न करो, जरा फिर से सुनो ध्यान से। अंदर सॉल्यूशन है, बाहर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट अंदर जा रहा है, अंदर का सॉल्यूशन को जो भी है उसकी वजह से उसका लेवल बढ़ रहा है, अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आ रहा है, अंदर प्रेशर ज़्यादा है। सोचो ना, ये थिस्टल ट्यूब के अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो क्या और सॉल्वेंट अंदर आएगा क्या? नहीं। अब उल्टा होने लगेगा, अब उल्टा होने, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया अभी अंदर, तो अंदर का प्रेशर ट्राई करेगा कि जो भी चीज़ है उसको फिर से बाहर लेके जाए। अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बाहर चले जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना, जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया रहेगा वो बाहर जाएगा, बराबर। पहले अंदर आया सब सॉल्वेंट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, अब क्या होएगा? प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अब ये क्या करेगा? प्रेशर की वजह से जो भी चीज़ बाहर जा सकता है उसको बाहर जाने देगा। बताओ कौन, क्या सुगर सॉल्यूशन बाहर जा सकता है कि सॉल्वेंट बाहर जाएगा? सॉल्वेंट ही अंदर आ सकता है, सॉल्वेंट ही बाहर जा सकता है, और कुछ नहीं होने वाला, समझा? तो जो अंदर एक्स्ट्रा जो भी सॉल्वेंट आ गया रहेगा वो रिटर्न जाएगा। अब सुनो, पूरा निकल जाएगा क्या? नहीं, एक लेवल पे आके रुक जाएगा ना, क्या वो ये लेवल रहेगा ग्रीन वाला? नहीं, ऊपर रहेगा ना ये वाला लेवल। अब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, पहले सॉल्वेंट अंदर गया, सॉल्वेंट का क्वांटिटी बढ़ गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आने की वजह से फिर से रिटर्न, थोड़ा सा सॉल्वेंट रिटर्न बाहर, अब इक्विलिब्रियम आ गया ना, इक्विलिब्रियम। ये टाइम पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इसी को बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर,
समझा, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये वो प्रेशर है। अभी देखो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, मैं वो टाइम का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बता रहा हूँ जब तुम्हारा ओस्मोसिस रुक गया है। कभी रुका माने ओस्मोसिस, अरे पहले सॉल्वेंट अंदर गया, लेवल बढ़ा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ने सॉल्वेंट को रिटर्न भेज दिया, फिर एक जगह पे आकर रुक जाएगा ना, बराबर। वो टाइम पे जब तुम्हारा जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो भी अंदर है उसका मूवमेंट रुक गया, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वही प्रेशर को बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ने बताओ ओस्मोसिस को रुका दिया कि ओस्मोसिस को चालू रखा है, रुका दिया ना, अब थोड़ी सॉल्वेंट अंदर आएगा, अब थोड़ी बाहर जाने वाला है। द एक्सटेंट प्रेशर या फिर द एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या फिर बोल सकते हो द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच स्टॉप्स द ओस्मोसिस इज कॉल्ड एज ओस्मोटिक प्रेशर। एक बेसिक सिंपल सा डिफाइन, अगर वाइवा में कोई पूछा ओरल में व्हाट इज ओस्मोटिक प्रेशर, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच स्टॉप्स द ओस्मोसिस इज कॉल्ड एज ओस्मोटिक प्रेशर। सिंपल, समझा, समझ में आया पूरा क्या हुआ गेम, समझाया ना? ओके, तो पहला पॉइंट तुमको समझाया क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन is firmly fastened across the mouth of thistle tube. The solution of interest, हमारा interest का solution कौन सा है, sugar solution, right? is inside a inverted, देखो आ गया ना word inverted, मैंने बताया ना उल्टा करके रखा है उसको, is inside an inverted thistle tube. Thistle tube को invert किया और उसके अंदर यहाँ पे क्या रख दिया है, कौन सा solution है, sugar solution है, आगे this part of tube and the membrane are then immersed, इसको dip कर दिया, immersed पानी के अंदर, इमर्स्ड इन अ कंटेनर ऑफ प्योर वाटर, बराबर प्योर वाटर एक कंटेनर में इमर्स करके रखा है। प्योर वाटर समझ में आ रहा है, प्योर वाटर क्यों ले रहे हैं हम लोग, सॉल्वेंट होना चाहिए, अगर सॉल्टी वाटर होता तो उसके अंदर से सिर्फ प्योर वाटर अंदर जाता, बस सॉल्ट बाहर ही रह जाता, समझा क्या, समझा ना पॉइंट क्या बताया, तीन पॉइंट आगे, फोर्थ पॉइंट, एज अ रिजल्ट सम सॉल्वेंट, कुछ तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, जाएगा ना, एज अ रिजल्ट सम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पासेस थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा, लेवल बढ़ाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ाएगा ना, मॉलिक्यूल पासेस थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर आ गया अब सॉल्वेंट, बराबर कहां गया, हां इट कॉसेस लिक्विड लेवल इन द ट्यूब टू राइज, लिक्विड लेवल बढ़ जाएगा अभी, अब ग्रीन थोड़ी रहेगा, अब ऊपर बढ़ जाएगा ना, अरे जो बता दिया है जस्ट पढ़ रहे अभी हम लोग, समझा, समझ गया सब कुछ चीज पहले से, लिक्विड का लेवल बढ़ाना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ा, द लिक्विड कॉलम इन द ट्यूब क्रिएट्स अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो लिक्विड का कॉलम एक्स्ट्रा आ चुका है वो क्या क्रिएट करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये और सॉल्वेंट को अंदर लेके आया कि अब सॉल्वेंट को रेस्ट्रिक्ट करेगा, रुका देगा ना, हाँ, द लिक्विड लेवल इन द ट्यूब क्रिएट्स अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट पुशेस, पुश कर रहा है ना अभी, किसको पुश करेगा, सॉल्वेंट, जो अंदर आ रहा था, नहीं भाई अब बस खत्म, इतना ही लेवल था हमारा, बराबर, प्रेशर दैट पुशेस द सॉल्वेंट बैक, रिटर्न भेज रहा है ना वहां पे बैक, किससे भेजेगा, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू द कंटेनर, कंटेनर के अंदर जाएगा ना अभी, अरे ये इधर ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इधर आएगा ना एक्स्ट्रा, द कॉलम ऑफ लिक्विड कंटिन्यूज टू राइज, एक राइज होता रहेगा, राइट, राइज होएगा लेकिन ऐसा पूरा ऊपर जाएगा क्या, एक टाइम पे रुक जाएगा ना आके, समझा कैसा, ऐसा द कॉलम ऑफ लिक्विड कंटिन्यूज टू राइज इवेंचुअली स्टॉप्स राइजिंग, बीच में रुक जाएगा ऐसा, वो जहां पे रुका है मतलब उतना ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहेगा, उतना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काफी है सॉल्वेंट को रिटर्न भेजने के लिए, और अब एक्स्ट्रा सॉल्वेंट अंदर नहीं आ सकता है, समझा ये कौन सा कंडीशन है, अब एक्स्ट्रा सॉल्वेंट अंदर नहीं आ सकता है क्योंकि वो तुम्हारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ने समझा क्या किया है, समझा ना पॉइंट क्या है, हाँ, एट दिस स्टेज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड इज सफिशिएंट, ये काफी है, बराबर ये काफी है टू फोर्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बैक, रिटर्न, रिटर्न भेज रहा है, किसको भेज रहा है, किस में भेजेगा, सॉल्यूशन से तो निकल रहा है, सॉल्वेंट में जाएगा ना, सॉल्वेंट में जाएगा, वाटर के पास जाएगा कंटेनर के अंदर, थ्रू द मेम्ब्रेन बैक टू द कंटेनर एट द सेम रेट, जितने रेट से अंदर आया था उतने रेट से रिटर्न भी जाएगा और रुक जाएगा, अब आगे नहीं होने वाला, बराबर, बैक टू द कंटेनर एट द सेम रेट दे एंटर द सॉल्यूशन, जो रेट से अंदर आया था वही रेट से बाहर, समझा कैसे, ये बता चुका है ना मैं तुमको पहले ऑलरेडी, आगे देखते हैं, एक इक्विलिब्रियम आया अभी बताया था तुमको मैंने, एक इक्विलिब्रियम आएगा जहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काफी है, बराबर, अब इससे ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लेने का जरूरत नहीं, बराबर, एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड वेयर द रेट ऑफ फॉल, जितने रेट से तुम्हारा सॉल्वेंट अंदर आया था उतने ही रेट से बाहर, ये रेट अगर सेम सेम हो गया है मतलब वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काफी है, पर उतना ही चाहिए हमको, एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड द रिवर्स पैसेज आर इक्वल, देखो यहां पे भी प्रूव होता है कि सॉल्वेंट दोनों साइड मूव हो रहा है, हो रहा है ना, यहां भी प्रूव होता है, और मानो कब रुक जाएगा, जब दोनों साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेम सेम, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड द रेट ऑफ रिवर्स पैसेज आर इक्वल,
कुछ तो हाइट अटेंड किया हम लोग ने, कुछ तो हाइट अटेंड किया अभी हम लोग ने. द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन द ट्यूब रिमेन्स कॉन्स्टेंट. अब नहीं बढ़ने वाला है बस, क्योंकि जितने रेट से सॉल्वेंट अंदर आया था उतने रेट से बाहर जा चुका है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, बराबर. काफी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना बराबर. कहां कहते हाँ, दिस इंप्लाइज दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हैज स्टॉप्ड ऑस्मोसिस. देखो मैंने पहले बता दिया था तुमको, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो टाइम का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को देखो जिसने ऑस्मोसिस को रुका दिया, स्टॉप कर दिया, वही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक. ये पहले बता चुका है मैं तुमको डिफाइन ना, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच स्टॉप्स द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. ये पहले बता चुका है मैं तुमको. आगे आते हैं तो हाँ, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच स्टॉप्स द ऑस्मोसिस इज एन ऑस्मोटिक प्रेशर. वही जो मैंने बता दिया, डिनोट करते हैं पाई से. ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट किससे करेंगे, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, P1 नॉट. सॉल्यूशन का P1. ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई. याद रखो ये सब चीज बराबर. तो पाई हमारे लिए क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर. पाई का फॉर्मूला है, पाई का फॉर्मूला होता है एच रो जी. पाई का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो न्यूटन्स फॉर्मूला या फिर लैपलेस करेक्शन जो फिजिक्स में पढ़ा था हम लोग ने, बरा अंडर रूट के अंदर वहाँ पे भी हम लोग ने पी के जगह पे यही लिखा था एच रो जी. हाइट ऑफ, वहाँ पे एच को बोला था हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, रो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर तुमको याद रहेगा तो वैसा ही कुछ यहाँ पे प्रेशर है ना, पाए मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर. इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एच रो जी. एच क्या है, हाइट ऑफ कौन सा कॉलम, लिक्विड कॉलम. अब मर्क्यूरी नहीं है, अब हमारे पास लिक्विड है ना, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम. या फिर एक मिनट, मर्क्यूरी कॉलम लिख दिया ना यहाँ पे गलत, हाइट ऑफ ये जो दिख रहा है यहाँ पे कॉलम ना, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम. रो क्या है, डेंस, किसका डेंसिटी, जो लिक्विड यूज किया उसका डेंसिटी है बराबर. और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. समझा क्या पॉइंट, इजी है. चलो समझ आ रहा तुमको क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर. अरे ध्यान दो इधर, इधर पढ़ने आए, यहाँ पे ध्यान दो. समझा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बोलो क्लियर है. सिंपल डिफाइन, अगर तुमको कोई पूछे व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर तो सिंपल डिफाइन है, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच स्टॉप्स द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. सिंपल है ना बराबर. चलो अब पढ़ते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, न्यू क्वेश्चन बराबर. आइसोटोनिक बराबर, सिंपल देखो आइसोटोनिक मतलब क्या है, दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम सेम है, दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम सेम है उसी को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ये सिंपल सा डिफाइन है, समझा क्या बताया. आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, क्लियर ना. हाँ एक एग्जांपल देख लो, 1 मोलार यूरिया सॉल्यूशन, मोलाल नहीं है मोलार मतलब 1 मोलार, समझा. 1 मोलार यूरिया सॉल्यूशन और 1 मोलार सुक्रोज सॉल्यूशन, ये जो दोनों हैं ये दोनों कैसे हैं, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम सेम है इसलिए दोनों कौन सा सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक. सिंपल है ना, पढ़ो जरा डिफाइन पढ़ो. 2 or more सॉल्यूशन हैविंग सेम सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. समझा रहेगा ना, सिंपल है. एक एग्जांपल तुमको याद रहेगा, 1 मोलार का कौन सा सॉल्यूशन यूरिया और 1 मोलार का सुक्रोज सॉल्यूशन, ये किसका एग्जांपल है, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम सेम है. सिंपल, जब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो जब अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर है, दो अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन होता है, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और दूसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपर अलग, हाइपो अलग, हाइपर हाइपो अलग अलग नाम है. आइसोटोनिक सॉल्यूशन समझा क्या, दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम सेम है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, पहले वो सुनो. देखो एक एग्जांपल समझाता हूँ, 1 मोलार का यूरिया सॉल्यूशन था और 1 मोलार क्या था, अब मैं कॉन्सेंट्रेशन स्पेसिफाई नहीं कर रहा बराबर, अब मैं कॉन्सेंट्रेशन स्पेसिफाई नहीं कर रहा, अब मैं बोलता है दो सॉल्यूशन है, एक यूरिया सॉल्यूशन और दूसरा क्या है, कुछ भी हो सकता है. कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो, वेपर प्रेशर चेंज होएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, समझा ना. तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन स्पेसिफाई नहीं किया है, पहले मैंने स्पेसिफाई किया था 1 मोलार का यूरिया 1 मोलार का सुक्रोज, तो सेम वेपर प्रेशर तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन. अब मैं एग्जांपल वही ले रहा है, लेकिन मेरा एग्जांपल अभी भी क्या रहेगा, यूरिया और सुक्रोज सॉल्यूशन, लेकिन मैं अभी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बता रहा, पहले क्लियर बता दो. इफ सुक्रोज सॉल्यूशन हैज, सिंपल है, दो कौन सा सॉल्यूशन बताओ, यूरिया और दूसरा सुक्रोज बराबर. अगर मैं बोलूं सुक्रोज सॉल्यूशन जो है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया सॉल्यूशन से ज्यादा है, सुक्रोज का ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया सॉल्यूशन से ज्यादा है, तो सुक्रोज सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है यूरिया सॉल्यूशन के लिए, समझा. फिर से एक बार जरा ध्यान दो, अगर सुक्रोज सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया सॉल्यूशन से ज्यादा है तो बोलेंगे कि सुक्रोज सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है. किसके लिए, यूरिया, बताना पड़ेगा. उल्टा करो, उल्टा एक उल्टा इसका एक और मतलब हो सकता है, अगर यूरिया सॉल्यूशन जो मैंने पहले किया वही, अगर यूरिया सॉल्यूशन का
ओस्मोटिक प्रेशर सुक्रोज सॉल्यूशन से कम है, यूरिया को देखो, अगर यूरिया सॉल्यूशन का ओस्मोटिक प्रेशर सुक्रोज सॉल्यूशन से कम है तो यूरिया सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, किसके लिए? सुक्रोज। सिंपल, यही तो लिखा है मैंने वहां पे, समझा पॉइंट क्या है? ध्यान दो, इफ सुक्रोज सॉल्यूशन हैज हायर ओस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू दैट ऑफ यूरिया सॉल्यूशन देन सुक्रोज सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन टू यूरिया सॉल्यूशन। उल्टा भी तो पॉसिबल है, उल्टा सुनो, इधर है कहां तक, यहां तक किया ना, हाँ, इफ सुक्रोज सॉल्यूशन हैज हायर ओस्मोटिक प्रेशर देन यूरिया सॉल्यूशन देन द सुक्रोज सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक टू द यूरिया सॉल्यूशन। उल्टा भी है, उल्टा बताया ना, एंड यूरिया, अच्छा इसका मतलब उल्टा ये भी तो हुआ ना, अरे अगर इसका ओस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है ऑब्वियस ना इसका कमी है, तो यूरिया सॉल्यूशन क्या हुआ? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, किसके लिए? सुक्रोज, वही लिखा है, एंड यूरिया सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक, मैंने अलग स्टेटमेंट बना के बताया ना तुमको, ये तो डायरेक्ट लिख दिया, समझा, एंड यूरिया सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक टू सुक्रोज सॉल्यूशन, समझा पॉइंट क्या है? समझा ना, हो गया, क्या पढ़ा उन्होंने? आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बराबर, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, बराबर ना, ओके, क्लियर है ना सब कुछ? डाउट तो नहीं है कुछ? नहीं, क्लियर है। चलो पढ़ते हैं आरओ, आरओ तो सुना रहेगा, किधर सुना बताओ, किधर? पानी का फिल्टर ना, पानी का फिल्टरेशन ना, उसमें सुना रहेगा आरओ, आरओ यूवी उधर लिख के आता है ऐसा, हाँ, तो आरओ पढ़ते हैं। आरओ होता क्या है? आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ मतलब रिवर्स। एक क्वेश्चन का जरा आंसर दो, जरा ध्यान दो, इधर बता भी दिया था मैंने तुमको वो चीज़, बराबर, ध्यान दो, अंदर शुगर सॉल्यूशन है, बाहर वाटर है, प्योर वाटर था ना, प्योर वाटर था, अगर समझो बाहर रहा सॉल्टी वाटर, बाहर कौन सा वाटर है? तो क्या सॉल्टी वाटर में से अंदर कौन जाएगा बताओ? प्योर वाटर, प्योर वाटर जाएगा क्योंकि वो सॉल्वेंट है ना, समझा, तो पानी वो जो फिल्टर वाला वही फिल्टर यही काम करता है, पानी कैसा भी आने दो, कुछ भी आने दो, वो किसको अलाउ करेगा? सिर्फ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है? प्योर, हमको प्योर वाटर मिलता है, समझा, यही है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का उल्टा को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, नाम ही है ना रिवर्स, समझा क्या है? अब रिवर्स मतलब क्या, एक डायग्राम, मैंने डायग्राम बनाया नहीं वहां पे क्योंकि जगह उतना था नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है फिगर 2.10 या फिर 2.10, ये तुम लोग अपने टेक्स्ट बुक से देख के यहाँ बनाना रहेगा, तुम्हारा काम है, नोट्स में तुमको बनाना पड़ेगा, ओके। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जरा देखते हैं क्या है, सुनो एक बार फिर से, अब मैं वो तुमको डायग्राम इमेजिन करा के बता सकता है डायग्राम क्या है, देखो समझो, एक कंटेनर है, एक कंटेनर है हमारे पास, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बराबर है, पूरा पैक है, पूरा पैक है, एक जगह पे है सॉल्टी वाटर और एक जगह पे है फ्रेश वाटर, इमेजिन करो, डायग्राम ही बता रहा हूँ तुमको, डायग्राम 2.10 वाला डायग्राम बता रहा हूँ, एक पूरा कंटेनर, कंटेनर बीच में कौन सा मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक साइड सॉल्टी वाटर और दूसरा साइड प्योर वाटर, हमको क्या चाहिए? हमको तो प्योर वाटर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, बराबर ना, सुनो क्या होता है, पूरा पैक, पूरा पैक, एक्चुअल में क्या होता है बताओ, यहाँ पे क्या मूव होने वाला था बताओ, बताओ, ये वाला, इसको इमेजिन मत करो, ये अलग है, शुगर सॉल्यूशन था, सुनो एक साइड क्या है बोलो, प्योर वाटर, और दूसरी साइड प्योर वाटर सॉल्वेंट है ना, प्योर वाटर सॉल्वेंट है ना, कौन मूव होएगा? प्योर वाटर मूव होएगा, प्योर वाटर मूव होएगा, एक्चुअल में सॉल्टी वाटर के अंदर भी सॉल्वेंट है, ठीक है, लेकिन ज्यादा सॉल्वेंट कहाँ है तुम्हारे पास? वो तो पूरा खुद ही सॉल्वेंट है ना, तो वो मूव होएगा ना, हमको यही तो गेम है, सुनो पहले, पूरा पहले सुन लो, पहले देखो, कंटेनर सॉल्टी वाटर प्योर वाटर हमको चाहिए, लेकिन उल्टा काम हो रहा है यहाँ पे, उल्टा काम हो रहा है ना, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है मतलब प्योर वाटर, यहाँ पे सॉल्टी वाटर क्या है एक्चुअल में, क्या वो सॉल्वेंट है कि सोल्यूशन है? सोल्यूशन है, क्यों? सॉल्ट है उसके अंदर, सॉल्ट सोल्यूट हो गया, और वाटर प्योर वाटर सॉल्वेंट, नहीं मालूम है, नमक का पानी ना, नमक तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? सोल्यूट, और वाटर सॉल्वेंट, तो एक साइड एक्चुअल में सोल्यूशन है, अगर मैं सॉल्टी वाटर बोलते हैं मतलब वो साइड क्या है? सोल्यूशन, और इस साइड क्या है? सॉल्वेंट, मूव क्या होने वाला, हमको हमारा लॉजिक क्लियर है, हमको क्लियर मालूम है कि प्योर वाटर मूव होएगा, बराबर, तो ये क्या हुआ? ओस्मोसिस, ये ओस्मोसिस है, उल्टा करो ना इसको अभी, तो तुमको बताओ रिटर्न में क्या मिलेगा? प्योर वाटर मिलेगा ना, अब सॉल्टी वाटर में से कौन मूव होएगा बताओ? प्योर वाटर मूव होएगा, और यहाँ पे जाएगा और क्या बना देगा वो? प्योर वाटर बढ़ते जाएगा ना, और पहले प्योर वाटर कम हो रहा था, समझा, यही लॉजिक यूज करते हैं जो भी प्योरीफायर, वो यही लॉजिक यूज करता है। अब ऐसा होता क्यों है? बरा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओस्मोसिस में तो प्योर सॉल्वेंट मूव होता है ना, क्या होता है सुनो,
अगर मैं देखो क्या हो रहा है, पहले सुनो, जो प्योर सॉल्वेंट था हमारा प्योर वाटर, वो मूव हुआ किधर आया, सॉल्टी वाटर में। ये ओस्मोसिस है, ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है वो बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? ओस्मोटिक प्रेशर की वजह से ना, ओस्मोटिक प्रेशर मतलब वही वेपर प्रेशर का जो भी डिफरेंस था उसकी वजह से। तो ओस्मोटिक प्रेशर के वजह से तुम्हारा जो प्योर वाटर है वो कहाँ पे आ जा रहा है, सॉल्टी वाटर। तो अच्छा एक बात बताओ, ओस्मोटिक प्रेशर कहाँ पे रहेगा, ये प्योर वाटर के पास रहेगा क्या इधर रहेगा? ओस्मोटिक प्रेशर होता किसका है, इधर ओस्मोटिक प्रेशर रहेगा ना। ओस्मोटिक प्रेशर की वजह से मालूम क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का होता है। किसका होता है ओस्मोटिक प्रेशर, यहाँ बीच में कहीं तो मिलेगा तुमको, ओस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का होता है, ठीक है? देखो मिलेगा कहीं तो, याद रखो, देखो यहीं पे आ गया, देखो ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया ना। ओस्मोटिक प्रेशर किसका रहता है, फिर से देखो इतना इजी नहीं है, लेकिन समझ गया तो ये थियरी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए। बड़ा हमको थियरी इजी करना है, उसके लिए लॉजिक समझो पहले। ओस्मोस हमको मालूम है कंटेनर है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एक साइड प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर वाटर है, एक साइड सॉल्यूशन जो सॉल्टी वाटर है। एक्चुअल में होने वाला है यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पे ओस्मोटिक प्रेशर है सॉल्यूशन के साइड में, सॉल्यूशन के साइड में क्या है, ओस्मोटिक प्रेशर है ना, ओस्मोटिक प्रेशर है। एक्चुअल में ओस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, कौन मूव होएगा, प्योर वाटर मतलब प्योर वाटर मूव होएगा ना, सॉल्वेंट यहाँ पे आ जाएगा, ये ओस्मोसिस है। अगर मैं सॉल्टी वाटर में जो पूरा बंद कंटेनर था उसमें थोड़ा सा एक समझो छोटा सा एक आउट थोड़ा सा एक होल कर दिया समझो, और वहाँ पे हमने एक पंप लगा दिया, वहाँ पे क्या लगा दिया, पंप, पंप प्रेशर देगा, पंप प्रेशर क्रिएट करेगा, पिस्टन देखा रहेगा, पिस्टन पिस्टन सिखाया भी पहले ऑलरेडी है ना, वो पंप में एक जगह पे मैंने पिस्टन लगा दिया, वो पिस्टन अगर प्रेशर ओस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा दे दिया, वो पिस्टन का अगर प्रेशर ओस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया तो उल्टा गेम होएगा। अभी अब जो सॉल्यूशन जो तुम्हारा सॉल्टी वाटर है इसमें से प्योर वाटर काम होएगा प्योर वाटर के साइड, इसको ही बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। समझा क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस अपने आप नहीं होता है, नहीं तो फ्री में रहता ना तुमको वो प्योरीफायर, समझा ना, अपने आप थोड़ी होएगा, उसमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर लगता है। एक साइड कहाँ से लगता है बताओ, प्रेशर सॉल्यूशन साइड, और वो प्रेशर कितना होता है, कन्फर्म वो ऑस्मोटिक प्रेशर से तो ज़्यादा रहेगा, कितना भी हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा रहेगा। समझा, यही है रिवर्स ऑस्मोसिस। चलो पढ़ते हैं ऑस्मोसिस क्या है, पहले वो पढ़ो फिर बाद में रिवर्स, पढ़ो क्या पॉइंट क्या है। ओस्मोसिस इज अ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू से, ये हमको मालूम है, ये हमको मालूम है, राइट। आगे बढ़ते हैं, द डायरेक्शन ऑफ ओस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड, उल्टा कर सकते हैं उसको ही तो बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। द डायरेक्शन ऑफ ओस्मोसिस कैन बी रिवर्स बाय अप्लाइंग अ प्रेशर, उतना प्रेशर लगाओ जो ओस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा रहे, पढ़ो पॉइंट फिर वही रहेगा, देखो लार्जर देन दैट ऑफ ओस्मोटिक, उससे ज्यादा प्रेशर लगना चाहिए तो ही जाके ये फिनोमेनन थोड़ा उल्टा होने वाला है। आगे पढ़ो क्या है, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल देन, अगर ऐसा हुआ तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव होएगा ना, पहले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाता था, अब सॉल्यूशन से, यही तो था ना लॉजिक, पढ़ो थर्ड पॉइंट, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल देन मूव्स फ्रॉम सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। यही है ना, एक एग्जाम्पल है जो बताया ना, एग्जाम्पल कंटेनर डायग्राम, वही एग्जाम पढ़ो क्या है, फ्रेश वाटर ये साइड ना, दूसरा यहाँ पे ना, पढ़ो आगे, आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, प्रेशर कहाँ लगाने का है, इधर ना सॉल्यूशन के साइड, सॉल्टी वाटर के साइड, राइट। व्हेन प्रेशर लार्जर देन द ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज अप्लाइड टू द, देखो क्लियर, एक एक वर्ड का बहुत बड़ा बड़ा मतलब है, सॉल्यूशन के साइड लगाना चाहिए। अगर तुमने लिख दिया व्हेन प्रेशर ग्रेटर देन द ओस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द प्योर, गलत उधर ही रॉन्ग बोल जाएगा तुमको, समझा, एक एक पॉइंट चेक होता है। तो तुम लोग ओस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर कहाँ पे लगा रहे हैं, सॉल्टी वाटर मतलब सॉल्यूशन के साइड, राइट। प्योर वाटर मूव होएगा ना, अरे सॉल्टी वाटर के अंदर भी प्योर वाटर है ना, उसमें सॉल्ट आ गया तो वो हो गया ना इम्प्योर, बाकी तो प्योर ही था। प्योर वाटर फ्रॉम सॉल्टी वाटर पासेस इनटू अ प्योर वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यही बताया था ना पहले भी, एक डायग्राम है वो तुमको बनाना पड़ेगा फिफ्थ पॉइंट में, समझा क्या है। चलो डेरिवेशन एक कर लेते हैं, डेरिवेशन क्या है जरा ध्यान दो, एग्जाम में आने का चांस, चार ही तो डेरिवेशन है अभी तक चार पढ़ाया है, आगे और भी रहेगा, कल वाले लेक्चर में वेंट ऑफ फैक्टर अलग अलग आएगा, चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ। तो हाँ यही बताया, ठीक है, इफ टू सॉल्यूशन हैव अनइक्वल ओस्मोटिक प्रेशर द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विद द हायर ओस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक, ये बताया नहीं, अच्छा मैंने एग्जाम्पल से बताया था तुमको ना, एक ही बात तो है, अगर दो सॉल्यूशन जिसका ओस्मोटिक प्रेशर अलग अलग है तो क्या वो आइसोटोनिक में आएगा, वो ऑब्वियस है कि वो हाइपरटोनिक या आपको हाइपरटोनिक में आएगा। तो अगर उनको हम लोगों ने अलग अलग करके रख दिया है बाय यूजिंग सेमी परमेब्रेन,
द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा ना, ओस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन विथ हायर ओस्मोटिक प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं, हायर ओस्मोटिक प्रेशर वाले को सोल्यूशन क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक ना, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, एंड द मोर डायल्यूट, मोर डायल्यूट सोल्यूशन मतलब क्या है, लेस कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन ना, राइट, मोर डायल्यूट सोल्यूशन हैविंग लेस ओस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक, इसी का तो एक ही मतलब है ना, समझ गए ना, चलो डेरिवेशन करते हैं, पढ़ो जरा पॉइंट पढ़ो, रिलेशन बिटवीन ओस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन, बराबर, ऐसा ही हम लोगों ने तीन बार ऑलरेडी कर चुके, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेव प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मोलर मास उसमें आया था ना, सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मोलर मास निकाला है, बराबर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास निकाला है, अब ओस्मोटिक प्रेशर और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, बराबर, चलो देखते हैं, हाँ कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स आएगा उसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो आएगा ही ना, एक ही मतलब है, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, ट्वेल्थ में बच्चे लोग को आता यही नहीं है कि आंसर आता है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, ये अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, डिराइव अ रिलेशन बिटवीन ओस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जबकि दिखाई नहीं दे रहा तुमको यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, लेकिन फॉर्मूले में दिखता है, तो तुमको अंदर का पूरा कंटेंट याद रहेगा तो तुमको क्वेश्चन जज करने आएगा कि क्या क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं, डायल्यूट जो सॉल्यूशन होता है उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है क्या है, बोलो क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पी क्या होता है, प्रेशर, अब कौन सा प्रेशर है, तो क्या पी लिखेंगे, पाई लिखेंगे, बोलो, फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी, एन के लिए हम सॉल्यूट ले रहा हूं, इसके लिए मैं एन टू लिखूंगा, राइट, समझा, ओस्मोटिक प्रेशर का काम है ना, पाई बताओ पाई का वैल्यू क्या रहेगा, बोलो वी नीचे भेजो, एन टू बाय वी आर टी, थोड़ा बेसिक तो तुमको आना चाहिए, 11th का केमिस्ट्री तो आना चाहिए, सुनो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टू मतलब सॉल्यूट ना, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, मोलारिटी, मोलारिटी, हाँ मोलारिटी मालूम है, जो ऑलरेडी तीन बार आ चुका है, वो था 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, याद है ना, पढ़ा हुआ चीज है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को बोलते हैं मोलारिटी, तो ये क्या है, मोलारिटी, हाँ रिटी, मोलारिटी कहाँ पे आता है, फ्रीजिंग पॉइंट में आता है, बराबर, बॉइलिंग पॉइंट में आता है, वेपर प्रेशर में आता है, नहीं बराबर, दो जगह पे आता है मोलारिटी और एक जगह पे आता है मोलारिटी, मोलारिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते कल ही किया था, मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, बराबर है, ओके, वही मोलारिटी, मोलारिटी तो कॉन्सेंट्रेशन है, अरे कॉन्सेंट्रेशन लेवल बड़ा है, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोलारिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब क्या है, इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन और क्या, चलो तो एन टू बाय वी की जगह बोलो मैं क्या लिख दूं, कैपिटल लिख दूं चलेगा, ये मोलार मास नहीं है, कैपिटल एम मोलार मास नहीं, ये केस में ये कैपिटल एम बोलो मेरे लिए क्या है, मोलारिटी, इतना समझ में तुमको आना चाहिए, आर टी, समझा, बोलो समझा इतना, ओके, चलो मैं यहाँ पे ना इसको इक्वेशन नंबर 1 लेता है, एक एक चीज जरा मुझे बताओ क्या क्या है यहाँ पे, बताओ पाई क्या है, पाई है ओस्मोटिक प्रेशर, बोलो वी क्या है, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का कि सॉल्यूशन का, कैसे मालूम पड़ा, मालूम है, डिफाइन से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मैं बोल रहा है ना, तो सॉल्यूशन है वो, बराबर, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, इसका वैल्यू याद रखो, ऑलरेडी 11th में किया याद है, 3-4 वैल्यू निकाले थे आर का, मार मार के सिखाया था तुमको, बराबर, आर का वैल्यू बोलो क्या था, 0.08206 डीएम क्यूब एटीएम है, एटमोस्फियर केल्विन रेस्ट टू माइनस 1 मोल रेस्ट में, वो 3-4 वैल्यू में से वो एक वैल्यू ये भी किया हुआ है, ये 11th का ही है, बराबर, तुमको देखो क्या है, समझ में आ गया क्या, पाई ओस्मोटिक प्रेशर, वी सॉल्यूशन का वॉल्यूम, एन टू नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का, आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर, बराबर, ऐसा, तो एक बात जरा समझो, इसमें अलग क्या हुआ जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे मोलारिटी ले लिया, मोलारिटी क्यों नहीं लिया, वो क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ सकता है, बराबर, कि वाई ओस्मोटिक प्रेशर इज रिलेटेड टू मोलारिटी नॉट विद द मोलारिटी, ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है भाई, तो क्यों, रीजन जरा सुनो क्या है, क्यों मैंने मोलारिटी लिया, मोलारिटी क्यों नहीं लिया, उसका रीजन है, ओस्मोटिक प्रेशर अलग अलग कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे निकालते हैं, समझो पॉइंट क्या है, थोड़ा अलग लगता है, यही एक्चुअल इसका रीजन है, ओस्मोटिक प्रेशर अलग अलग कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे कैलकुलेट होता है, अलग अलग कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डिफरेंट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे कैलकुलेट होता है, एक बार बताओ, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो क्या वॉल्यूम में चेंज होएगा, बराबर, अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ तो क्या मैं मोलालिटी यूज करूँ यहाँ पे, मोलालिटी मालूम है कब यूज करते हैं, मालूम है मोलालिटी का डिफाइन मालूम है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, उसमें वॉल्यूम आया क्या,
वॉल्यूम नहीं आया, वॉल्यूम नहीं आया ना, और वो जो है ना मोलालिटी का जो भी केस है याद करो ना, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, मोलालिटी आया था क्या वहाँ पे? अच्छा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर चेंज होता है कि नहीं होता है? ऑब्वियस है, एलिवेशन होता है, बराबर ना? तो उधर वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम यूज़ करेंगे तो वो तुम्हारा चेंज होता रहेगा, टेम्परेचर चेंज तो वॉल्यूम चेंज, और वॉल्यूम चेंज हुआ तो तुम लोग वहाँ पे मोलालिटी नहीं यूज़ कर सकते, उधर सिर्फ क्या यूज़ करते हैं? मोला, क्योंकि मोलालिटी इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट जरा याद करो, फ्रीजिंग पॉइंट उधर भी आया ना मोलालिटी, फ्रीजिंग पॉइंट उधर भी टेम्परेचर चेंज होता है, जिधर भी टेम्परेचर चेंज हुआ उधर यूज़ करो मोलालिटी, जिधर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है ये मैं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर चेक करता है तो वहाँ पर क्या यूज़ करो? मोलालिटी। सिंपल लॉजिक है, बराबर। पॉइंट पढ़ो, द रीजन दैट द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन आर एक्सप्रेस्ड इन मोलारिटी नॉट इन मोलालिटी इज दैट, रीजन मालूम है क्या है? मैं ओस्मोटिक प्रेशर को अलग अलग डिफरेंट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर चेक कर, कॉन्स्टेंट वेरिएबल टेम्परेचर, अगर वेरिएबल रहता तो मैं क्या यूज करता? मोलालिटी, समझा? नॉट इन द मोलालिटी इज दैट द ओस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन एट स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट, TEMP लिखा है, टेम्परेचर का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, जगह नहीं था, समझा? कॉन्स्टेंट टेम्परेचर याद रखो, जिधर भी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वहां पे मोलालिटी, जहां पे वेरिएबल टेम्परेचर वहां पे मोलालिटी। चलो ठीक है, एक चीज और करना है यहाँ पे, इक्वेशन वन को जरा ध्यान से देखो, बराबर। N2 कल भी किए थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट टू द मोलार मास ऑफ सोल्यूट, ना ये फॉर्मुला होता है N2 का, ये N2 का फॉर्मूला N2 के जगह पे डाल दो, इक्वेशन वन ना, फ्रॉम इक्वेशन वन बोलो पाए निकाल रहे हैं, पाए वन वाला देखना नहीं, चलो मत देखो, N2 के जगह पे वैल्यू डालो, W2 फिर बाजू में R फिर T अपॉन M2 आएगा, और बाजू में पहले से कौन है, समझा क्या तुमको? ये M2V, बराबर है, समझा ना? तो ये किसका फॉर्मूला है? ओस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, समझा? इस पे न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना है, अब फ्रीजिंग पॉइंट और ओस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल एक साथ ही सिखाऊंगा, बराबर? थोड़ा वो थियरी इसमें आगे और भी है, वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन देखते हैं, समझा? आज का जो पढ़ा है बहुत ईजी है, बराबर, ईजी है, पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा ईजी है, लेकिन नहीं पढ़े तो इससे हार्ड भी कुछ नहीं है, समझा? समझना कैसा है? चलो एक बार रिकैप मारते क्या क्या पढ़ा, बताओ सबसे पहले क्या पढ़ा उन्होंने, बताओ, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कॉपर फेरोसाइनाइड, CO2 FeCN6, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेलुलोज नाइट्रेट, एनिमल ब्लैडर, बराबर, ओके। फिर पढ़ा ओस्मोसिस, ओस्मोसिस क्या होता है? द स्पॉन्टेनियस, मेन पॉइंट याद रखो, इधर डिफाइन, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन और फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू द हाई कस्ट, मोर डायल्यूट सॉल्यूशन बोलो या तो लो कॉन्सेंट्रेशन, एक ही बात है, समझा? मोर डायल्यूट सॉल्यूशन टू द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ओस्मोसिस। ओस्मोटिक प्रेशर का डिफाइन बताओ, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच स्टॉप्स द ओस्मोसिस इज कॉल्ड एज ओस्मोटिक प्रेशर, टू सॉल्यूशन और टू और मोर सॉल्यूशन हैविंग सेम ओस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कौन सा प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर, राइट, अलग रहेगा तो दो आएगा, क्या आएगा, हाइपरटोनिक और हाइपर, जिसका ओस्मोटिक प्रेशर ज्यादा वो हाइपरटोनिक, जिसका ओस्मोटिक प्रेशर कम वो हाइपोटोनिक, बराबर ना? एग्जांपल याद है, 1 मोलार यूरिया, 1 मोलार सुक्रोज, किसके लिए, आइसोटोनिक, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, किसको भी ज्यादा कम कर सकते हैं, बराबर। फिर पढ़ा रिवर्स ओस्मोसिस, कब पॉसिबल है, जब तुम लोग सॉल्यूशन के साइड में एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो प्रेशर किससे ज्यादा होना चाहिए, ओस्मोटिक पर, तो अपने आप तुम्हारा जो प्योर वाटर है वो मूव हो जाएगा प्योर वाटर साइड और तुमको मिल जाएगा, समझा? फिर पढ़ा लास्ट में रिलेशन बिटवीन जो भी है तुम्हारा ओस्मोटिक प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, बराबर, तो समझा पॉइंट क्या है, अगर एग्जाम में आया रिलेशन बिटवीन ओस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन तो सिर्फ यहां तक करो, बराबर, अगर एग्जाम में आया रिलेशन बिटवीन ओस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो एंड तक जाने का यहाँ पे, तुम्हारे टेस्ट में इसको दो पार्ट में किया, मैंने एक में ही सिखा दिया तुमको, समझा कैसे किया, समझ गया रहेगा ना? ठीक है, ओके, थैंक यू।